दिस इज अभिषेक आश, करंटली परसुइंग बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम BIT संगली। मेरा प्लेसमेंट आदित्य बिरला ग्रुप में हुआ है और आज मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट्स को लेकर के एक पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कॉलेज प्लेसमेंट्स में तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक किसी भी प्लेसमेंट प्रोसेस में तीन स्टेजेस होते हैं, रिटन एग्जाम, GD एंड इंटरव्यू। तो स्टार्ट करते हैं रिटन एग्जाम से। तो रिटन एग्जाम जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है जनरल अवेयरनेस सेक्शन और एक होता है आपका टेक्निकल सेक्शन। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो वो अराउंड एक घंटा डेढ़ घंटे का एग्ज़ाम होता है। जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन होते हैं उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। वेराज इन टेक्निकल में जो आपका जो डोमेन है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो जो होते हैं वो MCQ क्वेश्चन होते हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जो भी जो फर्स्ट सेक्शन जो होता है तो फिर उसमें ना आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि नो डाउट कि आप बना तो लेंगे, ईजी होते हैं, बट ना टाइम वहाँ पर बहुत लिमिटेड होता है। तो फिर मेक श्योर कि आप ना एक पहले से थोड़ा बहुत उसकी प्रैक्टिस करके रखें ताकि वहाँ पर टाइम लिमिट में आप इन चीज़ों को बना सकें। बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो बहुत ही डिफरेंशिएटिंग होता है, मतलब किसी के लिए बहुत ईजी होगा, किसी के लिए बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, जिनके पास इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश पे एक थोड़ा बहुत कमांड अपना स्थापित करें, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, बट एक बार आप उन्हें पढ़ लेंगे तो फिर उससे जो बेस दो तीन चार क्वेश्चन होते हैं ना तो आप उन्हें आसानी से बना लेंगे। सो आपका जो स्कोर है वो तुरंत जंप मारेगा। ठीक है, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप ना इस सेक्शन को अच्छे से जानें, क्योंकि ये काफ़ी ना मेजर सेक्शन होता है। अब बात करते हैं अब टेक्निकल सेक्शन की। तो टेक्निकल सेक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, वो आपके फंडामेंटल बेस्ड होते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे कि अच्छा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, फ्लूइड मशीन में क्या होगा, ऐसा, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, तो मेक श्योर कि आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, ये बात है। और ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का हूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो फ्लूइड मशीन से, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स से, मशीन डिज़ाइन से, इन चीज़ों से। ठीक है, तो ये हो गया रिटन एग्जाम। अब यहाँ से जो लोग ना कट ऑफ क्लियर करते हैं तो फिर वो फिर आगे जाते हैं GD, जो सेकंड राउंड है। तो कहीं पर GD होता है, कहीं पर केस स्टडी होती है, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। GD में होता क्या है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स, मान लीजिए कि 20-30-40 पार्टिसिपेंट्स है, सभी को एक ना पर्टिकुलर ग्रुप में बांटा जाता है। ठीक है, 10-12, 10-12, 7-8, तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में बांटा जाता है और हर एक ग्रुप को क्या किया जाता है, एक टॉपिक थ्रो किया जाता है और फिर आपको उस पर डिस्कशन करना है। वेराज इन केस स्टडी क्या होता है कि ना पूरे ग्रुप में हर एक स्टूडेंट को अपना एक एक सेट ऑफ प्रॉब्लम दे, सबको एक सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम दे दिया। ठीक है, और फिर ना बेस्ड ऑन द फैक्ट्स आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। GD में आपको टॉपिक दे दिया जाता है और अपने नॉलेज से बोलना है, वेराज इन केस स्टडी जो दिए हुए हैं फैक्ट्स उसी को मेन बेस बना करके आपको बातें करनी है। यहाँ पर दो तीन टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा। पहला ये कि ना आपको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, ये बोला जाता है कि ना लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप अपने पॉइंट्स को रख सकें, सही बात है, बट ना अगर ना आप अपनी बातों को इंग्लिश में रखेंगे। ठीक है, मेक श्योर दैट यू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट्स इन इंग्लिश, यू शुड हैव अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश बिकॉज दैट विल गिव यू एन एज ओवर अदर्स। ठीक है, ये पहली बात। दूसरा, GD में चिल्लाना नहीं है। ठीक है, ना तो किसी को डोमिनेट करना है, मेक श्योर कि आपका ग्रुप जो है वो कोऑपरेटिव हो और एंड एवरीवन गेट्स अ फेयर चांस। ठीक है, सभी को बोलने का सही से मौका मिले, उससे क्या होगा ना कि पूरे ग्रुप का इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अच्छा, पूरे ग्रुप का इंप्रेशन अच्छा जाएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके ग्रुप से ना ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट किया जाए। हो सकता है कि पिछले ग्रुप में 10 जन थे, उसमें से 5-6 जन ही सिलेक्ट हुए, आपका ग्रुप का काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो फिर आपके हो सकते हैं 7-8-9 जन भी सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, और उससे क्या होगा ना, एक और बात ये होगी कि ना जिनका सिलेक्शन उस केस में नहीं होगा, ऐसे कॉपरेटिव माहौल में भी जिनका मान लो सिलेक्शन नहीं होगा, उनको फिर ना अपने जो डिमेरिट्स है या फिर अपने जो कमियां हैं ना उन पर काम करने का मौका मिल पाएगा, उनको पता चलेगा हाँ मेरी कहाँ गलती रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यूअर की तरफ बिल्कुल ना देखें। ठीक है, ये तीसरी बात कि आपको इंटरव्यूअर की तरफ नहीं देखना है, अपने ही ग्रुप में एंगेज रहना है और हाँ बिल्कुल काम कंपोज रहें। ठीक है, और पाँचवीं बात कि जो अगर आपको कुछ मान लीजिए ना कोई ना शीट वगैरह मिला होगा तो उसमें कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करें, तो उससे क्या होगा ना कि ना आप ना रेफर कर पाएंगे जल्दी से और इंटरव्यू को भी लगेगा कि हाँ आप थोड़े बहुत कंसर्न हैं। तो ये हो गई GD के बाद, GD और केस स्टडी के बाद। अब बात करते हैं लास्ट राउंड जो कि है इंटरव्यू राउंड। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल, मेरे केस में टेक्निकल और HR दोनों एक साथ हुआ था। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है ना, इसमें दो तीन बातें याद रखनी थी। सबसे पहला ये
सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बट इसमें भी ना बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बट इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना इंट्रोडक्शन सही से बनाएं, ठीक है, और उसको दो तीन बार प्रैक्टिस कर लें। और आप अपने इंट्रोडक्शन में जिन बातों को भी आप ना मेंशन करेंगे, मेक श्योर कि ना वो ना बहुत हद तक करेक्ट हो और आप उसको डिफेंड कर सकें, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि आपने अपने हॉबीज़ में लिख दिया कि आपको ना नॉवेल्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, तो आपसे उस पर फॉलोअप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पक्का है कि आपसे फॉलोअप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हॉबीज़ से लेकर के आपके जो आपने ट्रेनिंग किया है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। जो भी आप इंट्रोडक्शन में कहते हैं ना उससे फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं। मेक श्योर यू डिफेंड योर वॉट एवर यू हैव सेड, ठीक है, ये पहली बात। दूसरा, अपना दो तीन सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके जाएं, ठीक है। वो आपसे ना पूछेंगे कि अच्छा ठीक है तुम किन किन सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो आप जो भी सब्जेक्ट्स बोलें तो उसको लेकर के जो फेमस क्वेश्चन है इवन जो बेसिक क्वेश्चन भी है, ठीक है, आप अच्छे से उन्हें स्टडी करें, क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पर ना मान लो दो दिन आपने आंसर नहीं दिया तो फिर बहुत दिक्कत है। तीसरी बात, ये बहुत ही कॉमन बात है बट ना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। मेक श्योर यू ड्रेस वेल, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बनाए रखें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंट रहें, हमेशा एक स्माइलिंग फेस सामने रखें, ठीक है, और ना अपने जो फंडामेंटल्स पे काम करें और फिर ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है ना। बाकी फिर जो चीज़ें होंगी वो हो ही जाएंगी, ठीक है। खुद पर मेहनत करते रहिए और उम्मीद करते हैं कि ना आपको ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।